चलो सारे लोग नया चैट कर लिखे। केमिकल काइनेटिक्स में इस चैप्टर में हम लोग जो डील करेंगे रिएक्शंस की रेट, ऑर्डर ऑफ रिएक्शंस को, नाम ही से साबित है काइनेटिक्स। इसलिए सबसे पहला जो टॉपिक हम लोग एनालाइज करेंगे वो है रेट ऑफ रिएक्शन। रेट ऑफ रिएक्शन इस चैप्टर में रेट की बात ही बहुत होगी। अब आइए रेट को मेजर करने के क्या क्या तरीके हैं। पहला जो सबसे सिंपल है, उसके बाद मैं उसके अलावा और सारे मेथड बताऊंगा। आप जानते हैं कि जब कोई भी रिएक्शन प्रोसीड होता है तो रिएक्टेंट इनिशियली मैक्सिमम होता है, प्रोडक्ट इनिशियली जीरो होता है, आफ्टर सम टाइम्स रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन घटती है, प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है। ये आपके पास तो आप देखिए टाइम के साथ साथ रिएक्टेंट की भी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है, अब प्रोडक्ट की भी कंसंट्रेशन चेंज हो रही है। जिस तरह फिजिक्स में आप बोलते हैं वेलोसिटी जिस रेट से चेंज होती है उसको एक्सेलरेशन होता है। एक्सेलरेटेड मोशन का मतलब ये वेलोसिटी का चेंज होना। सिमिलरली केमिस्ट्री में रेट मेजर अगर करना है तो उसके लिए कंसंट्रेशन का चेंज होना चाहिए। चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, द चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ आइदर रिएक्टेंट और प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम। मेरी बात समझ में आई? हेलो एवरीवन। यस सर। यस, किसी की आवाज क्यों नहीं आई? हेलो एवरीवन, आया समझ में? रेट कैसे मेजर होता? यस सर। यस सर, फिर से बताइए रेट मेजर कैसे होता है? बताइए सारे लोग कैसे मेजर होता है, बताइए कोई भी कहे हम कैसे रेट को मेजर करेंगे। जब हां चेंज इन रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम या नहीं कंसंट्रेशन चेंज, चाहे रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट, यानी मतलब एक लाइन में बोलना कंसंट्रेशन। जैसे एक्सेलरेटेड मोशन की क्या पहचान होती है? चेंज इन वेलोसिटी। तो रेट ऑफ रिएक्शन कैसे मेजर करेंगे? चेंज इन कंसंट्रेशन। जैसे ही कंसंट्रेशन चेंज होगी तो हम उससे रेट मेजर करते हैं। डू यू अंडरस्टैंड? यस सर। तो अभी लिखेंगे नहीं, रुकिए। रेट ऑफ रिएक्शन का जनरल फॉर्मूला, चेंज इन कंसंट्रेशन डिवाइडेड बाई टाइम टेकन। लिखना नहीं है, रुक जाइए। टाइम टेक रेट ऑफ रिएक्शन का मतलब यही होता है। अब आइए रेट ऑफ रिएक्शन के नीचे मेरे साथ साथ लिखिए, इट इज डिफाइन एज, इट इज डिफाइन एज चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ either reactant or product per unit time. Change in concentration of either reactant or product. लिख लिया सर। ये
ये भी ए और बी वाला मत लिखिए, ये लिखिए, ये लिखिए, इससे बी वाला भी मत लिखिए, ये से एक बात याद रखिए, सबसे कॉमन जो डिफिनेशन है ना रेट को मेजर करने का, वो यही है कंसंट्रेशन का चेंज होना। लेकिन आपके सिलेबस में इसके अलावा भी रेट मेजर करने के तरीके हैं, और जी और नीट के बैच में खासकर कोर्सेस मेजरमेंट ऑफ रेट ऑफ द रिएक्शन। अब मैं कंक्लूजन रख रहा हूँ कि कैसे चेंज मेजरमेंट ऑफ कंक्लूड वर्सेस में कोई अगर आपसे पूछे तो भाई रिएक्शन को मेजर करने का तरीका बताओ, तो सबसे पहला तो अभी आपने पढ़ लिया चेंज इन कंसंट्रेशन, चाहे रिएक्टेंट हो या प्रोडक्ट हो वो लिखने की जरूरत है। दूसरी बात जो है दूसरा ये है चेंज इन प्रेशर, जब गैसेज स्टेट में हो तो वहां प्रेशर को कम करना, ये तो 12th के भी सिलेबस में बोर्ड के भी सिलेबस में आपको है। अब आइए तीसरी नॉलेज चेंज इन मोल, मोल भी चेंज होगा पर यूनिट टाइम, उससे भी रेट चेंज। बहुत सारी यूनिट में रेट लिख देगा 5 ग्राम पर मिनट, एक ऐसे रेट के यूनिट का मोल पर लीटर पर मिनट या एटीएम पर मिनट, मोल के फॉर्म में मोल पर मिनट, ठीक है, ग्राम पर मिनट दिया रहेगा तो उसको मोल में कन्वर्ट करना, ऑब्जेक्टिव में देता है जानबूझ के देगा। मोस्ट इंपॉर्टेंट है ए और बी, लेकिन आपको सिर्फ ये नहीं मालूम होना चाहिए कि रेट को मेजर सिर्फ हम कंसंट्रेशन चेंज ही से कर सकते हैं, कंसंट्रेशन को चेंज करने के बहुत सारे मेथड। तीसरा कॉम्पिटिशन के लिए ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है चेंज इन वॉल्यूम, चेंज इन वॉल्यूम, अरे बोलिए कुछ तो बोलिए, हाँ या ना, हेलो एवरीवन, यस सर, यस सर। वॉल्यूम चेंज से भी रेट में जाता, देखिएगा जब फॉर्मूला में अभी तो डिटेल में पढ़िएगा तो और अच्छे से आएगा, बच्चों को ये तो समझ में आ जाता है चेंज इन वॉल्यूम से भी फॉर्मूला ड्राइव होता है, प्रेशर के फॉर्म में भी फॉर्म, ये तो दोनों आपके सिलेबस में ही खुद है। चेंज इन वॉल्यूम से भी आप रेट मेजर करेंगे, समझ में बात आ रही है ना साइंटिस्ट को? यस सर। कंपटीशन में कुछ क्वेश्चन आएगा चेंज इन पीएच, इससे भी चेंज, इस तरह के नंबर आपको बहुत सारे याद रखने हैं, ये नहीं कि सिर्फ कंसंट्रेशन पर आपकी नजर हो, आप मेजर रेट को मेजर करने के बहुत सारे मेथड होते हैं, लिख लिया तो बताइए सर। यस सर लिख लिया। चूंकि अभी आपने क्या कहते हैं इसको ये नहीं पढ़ा है, क्या कहते हैं आइसोमर्स नहीं पढ़ा है, क्योंकि कभी कभी क्वेश्चन आता है चलिए उसको उसी में बता देंगे, लेकिन ऐसे लिख लीजिए बाद में मैं समझा दूंगा। चेंज इन ऑप्टिकल रोटेशन, ऑप्टिकल रोटेशन, बस अभी इस पर मत समझिए क्या है, जब ये टॉपिक आएगा तो हम फिर समझाऊंगा, अभी समझाऊंगा भी आपको कुछ कुछ बातें, जिस तरह टॉपिक में आएंगे उसी तरह आपको समझाएगा। दिया? अब आइए अभी के एक मिनट रुकिए,
अब मेरी आवाज तो आ रही है ना, फिर से दोबारा आप सुने? यस सर आ रही है। अब आइए, ये तो आपने रेट मेजर करने का तरीका समझा, अब और से सुनिएगा। एक वर्ड आता है, प्लीज सुनेंगे, तीन सेंटेंस पर आप गौर से सुन। एक एक तो आप पढ़ चुके हैं रेट ऑफ रिएक्शन, एक आप आइए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, हम इसको शॉर्ट फॉर्म में आर ओ डी लिखेंगे। जब भी रेट ऑफ डिसअपीयरेंस की बात होगी तो आप समझ जाइएगा कि वो सिर्फ रिएक्टेंट के फॉर्म में लिखना, डिसअपीयर का मतलब रिएक्टेंट डिसअपीयर हो रहा है। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस इट ऑलवेज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट डिसअपीयरेंस वर्ड, कहीं कहीं पर इसका वर्ड कहेगा वो मैं लिखवा भी दूंगा। तो फिर से डिसअपीयरेंस किसको बताता है? रेट ऑफ रिएक्टेंट। हाँ, बाकी लोग चुप क्यों हैं? ये अनुष्का क्यों नहीं बोल पा रही हैं? इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट। हाँ, इन टर्म्स ऑफ रिएक्टेंट, यस। इट इज आल्सो कॉल्ड रेट ऑफ डिस, नाम चेंज होने से कंफ्यूजन मत रहेगा, इट इज आल्सो कॉल्ड रेट ऑफ कंजप्शन, कहते ना भाई कितना कंज्यूम्ड हुआ, रिएक्टेंट कंज्यूम्ड होता है। तो कहीं कहीं पर आपको कंफ्यूजन में डालने के लिए लैंग्वेज चेंज कर देगा, तो रेट ऑफ कंजप्शन। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? अच्छा, यस सर। रेट ऑफ अपीयरेंस, इसको हम शॉर्ट फॉर्म में आर ओ ए लिखेंगे। याद रखिएगा, इट इज एक्सप्रेस इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, इन टर्म्स ऑफ, जल्दी बताइए, इन टर्म्स ऑफ प्रोडक्ट, और इट इज आल्सो कॉल्ड रेट ऑफ फॉर्मेशन, ये रेट ऑफ फॉर्मेशन भी आप कह सकते हैं, नाम चेंज हो जाएगा उससे कंफ्यूजन नहीं। रेट ऑफ प्रोडक्शन भी कह सकते हैं, जब भी रेट ऑफ प्रोडक्शन रहे प्रोडक्ट की बात होगी, फॉर्मेशन रहे प्रोडक्ट की बात होगी, अपीयरेंस रहे प्रोडक्ट की बातें होंगी। तीन टर्म आप समझे, रेट ऑफ रिएक्शन, रिएक्टेंट, प्रोडक्ट, दोनों के फॉर्म में लिखा जाएगा। और मैं आपको ये भी बता दूं, और से सुनिए अच्छे से, रेट की बात कहीं पर भी हो फार्मूला एक ही रहेगा, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम। यहाँ पर डिसअपीयरेंस है तो चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम, यहाँ पर है रेट चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट पर यूनिट टाइम, दोनों को लिखेंगे रेट ऑफ रिएक्शन। तीन टर्म समझ में आया सबको? हाँ या ना बताइए। यस यस सर। सीआर अनुष्का और आसिया को समझ में आ रहा है? यस सर। यस सर। ये अनुष्का क्यों नहीं बोल पा रही? मैसेज करें, जिनको आवाज नहीं आ रही बोलने का मन है मैसेज करें। थैंक यू। मानस बिन शाह को आ रहा है? मानस बिन शाह, यस सर, कांग्रेचुलेशन फॉर कमिंग। थैंक यू सर। हाँ, ए लॉट ऑफ थैंक्स, आप आए, ऐसे ही आते रहे, आप आते हैं तो अच्छा लगता है, आप आते रहें प्लीज। यस सर। हाँ, वेरी गुड वेरी गुड। चलिए आप सुनिए सारे लोग, अब मैं एक रिएक्शन लिख रहा हूँ। हर्षित साहब समझ में आ रहा है ना आपको? यस सर। अच्छा, इस रिएक्शंस में आपको ये बताना है कि बताइए ए जितना डिसअपीयर हो रहा है उतना ही बी बन रहा है कि नहीं, सारे लोग मिलके बोलिए। यस सर। कोई बोले ए जितना कंज्यूम्ड हो रहा है उतना ही बी बन रहा है, हाँ या ना? यस सर। देखिए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए ओके, हाँ अपन यहाँ ध्यान दें, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, सही लिखा, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए should be equal to rate of appearance of B, हाँ या ना, जल्दी बताएं। Yes sir। अब देखिए इसको क्या लिखेंगे, minus delta A by delta T। अब सुनिए, जब भी disappearance होगा minus लिखेंगे, क्यों?
रिएक्टेंट की कंसंट्रेशन टाइम के साथ साथ चेंज होती है, चेंज का मतलब डिक्रीज होती है। प्रोडक्ट की कंसंट्रेशन बढ़ती है, इसलिए याद रखिए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस में माइनस ये इस ब्रैकेट की यूनिट जो होती है मोल पर लीटर, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, लिख सकते हैं हाँ या ना, जल्दी बताइए। यस सर। चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट, चेंज इन कंसंट्रेशन पर यूनिट टाइम इज कॉल्ड रेट, बस फर्क यह है नाम है, अपीयरेंस हो रहा है तो अपीयरेंस बोलेंगे, डिसअपीयरेंस इट शुड बी इक्वल टू आर, आर का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। तो रेट ऑफ रिएक्शन में हम डिसअपीयरेंस और अपीयरेंस रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों को लिखते हैं। अगर सिर्फ डिसअपीयरेंस ऑफ ए बोलता तो हम केवल लिखते माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी बोलता हम केवल डेल्टा बी बाई डेल्टा टी लिखते। लेकिन जब भी न्यूमेरिकल में रेट ऑफ रिएक्शन खोले तो हम रिएक्टेंट प्रोडक्ट दोनों को लिखेंगे। डिड यू अंडरस्टैंड एवरीवन? यस सर। अरे एवरीवन को आया? यस सर, एक ही आदमी क्यों बोल रहा है उस वक्त से, उसका मुंह उसकी। यस सर। बाकी लोगों को आ रहा है कि नहीं? बाकी लोग भी तो बोले हाँ या ना। यस सर। अरे खसपेल तुम तो बोलो, तुम क्यों चुप रहते हो? मानस भी हाँ, जिसको बोलने का नहीं मन है तो यस सर या, इंग्लिश तो अच्छी ही आप लोगों की, मैसेज करते रहे। ये इंसिया क्यों नहीं बोलती हैं, चुपचाप बैठी रहती हैं। अरे अनुष्का पहला आपका ये जीओसी कंप्लीट हुआ पहला लेक्चर? अनुष्का का जीओसी का पहला लेक्चर कंप्लीट हुआ नोट्स के साथ साथ? अच्छा वेरी गुड। अफान साहब आप सच सच बोलिएगा। यस सर हो गया। नोट्स भी लिख लिया पूरा अच्छे से? यस सर। बहुत बेहतर, समझ में आया कुछ? ये पहले बताइए, झूठ मत बोलिएगा। यस सर आ गया। वेरी गुड, हम उसकी क्लास भी रखेंगे, घबराइएगा नहीं। तो आज एक लेक्चर और भेजेंगे अनुष्का को, इंसिया को और अफान। नोट्स एकदम अच्छे से बनाइए, साफ साफ कॉपी अलग बनाइए ऑर्गेनिक की। लिख लिया सारे लोग? यस सर लिख लिया। अब आइए एग्जाम्पल टू। ए गिव्स टू बी, देखिए ये क्या बता रहा है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी जो है वो ए, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए का जस्ट डबल, ए जितना कंज्यूम हो रहा है बी डबल बन रहा है, हम कह सकते हैं ना रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी जस्ट डबल होगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए के, हाँ या ना? यस सर। अब देखते रहिए, लिखिएगा नहीं, डेल्टा बी बाई डेल्टा टी शुड बी इक्वल टू टू इंटू माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी। अच्छा आप बताइए इसको क्या मैं नहीं लिख सकता, माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी शुड बी इक्वल टू हाफ डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, लिख सकते हैं हाँ या ना? यस लिख सकते हैं। इट इज कॉल्ड आर, आर का मतलब रेट ऑफ रिएक्शन। इससे क्या साबित हुआ सुनो अच्छे से, रेट ऑफ रिएक्शन चेंज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट पर यूनिट टाइम। देखो ए कोफिशियंट वन माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, जैसे ही कोई कोफिशियंट से मल्टीप्लाइड होगा तो वो डिवाइडेड फॉर्म में आया, ये मैं प्रूफ करके दिखाया हूँ। कोई भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट रहेगा तो उसके वन बाई टू थ्री रहता, वन बाई थ्री, यहाँ वन है तो वन का वन, वन बाई वन वन ही हुआ। तो कोई भी स्टोइकोमेट्रिक कोफिशियंट होगा तो देख लीजिए रेट ऑफ रिएक्शन लिखने का तरीका। क्या सबको मेरी बातें समझ में आई हाँ या ना, जल्दी बताएं। यस सर समझ आ गया। एक के अलावा किसी को नहीं समझ में आया? चलिए बताइए किसको नहीं समझ में आया, खसपेल को नहीं, हर्षित को नहीं, अनुष्का को नहीं, आसिया को नहीं, मानसविन को नहीं, अफान को नहीं, किसको नहीं आया बताइए, क्योंकि बाकी की आवाज नहीं आए तो हम नहीं बारेंगे आगे। बताइए कोई डाउट है तो पूछें। इससे क्या साबित हुआ और से सुने कंक्लूजन, इससे ये साबित हुआ कंक्लूजन कि अगर आपके पास कोई जनरल रिएक्शन है, कोई जनरल रिएक्शन है आपके पास ए ए प्लस बी बी सी सी प्लस डी डी बनाया
और आपको क्या रेट ऑफ रिएक्शंस का एक्सप्रेशन लिखो, तो माइनस वन बाई ए स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, माइनस वन बाई बी डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, वन बाई सी डेल्टा सी बाई डेल्टा टी, वन बाई डी डेल्टा डी बाई डेल्टा टी। क्या सबको समझ में आया साइंटिस्ट लोग, बताइए हाँ या ना? यस सर समझ आ गया। आप सुनिए, अगर आपको समझ में आया तो एक और नॉलेज लें तब लिखना शुरू करेंगे। प्लीज सुनिए, मैं जिससे पूछूं वो बताए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए, क्या लिखेंगे साधना से? रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ए क्या लिखेंगे सर? कहां पर? या इसी वाले रिएक्शन में? हाँ तो ए है ना भाई, यही तो रिएक्शन है, तो ये कहां? हाँ माइनस वन बाई डेल्टा ए बाई टी। हाँ वेरी गुड, देखिए माइनस डेल्टा ए बाई डेल्टा टी, सुने सारे लोग कान खोल के और दिमाग से, डिसअपीयरेंस ऑफ अवर अपीयरेंस में कोई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिखा जाएगा, रेट में लिखा जाएगा, रिएक्शंस रेट में स्टोइकोमेट्रिक। रेट ऑफ डिसअपीयरेंस किसी का भी कहे, रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ वाटर डेल्टा डेल्टा वाटर बाई डेल्टा टी, नो स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट शुड बी रिटन इन द एक्सप्रेशन ऑफ रेट ऑफ पार्टिकुलर स्पीशीज। पार्टिकुलर स्पीशीज का मतलब ही हुआ डिसअपीयरेंस या अपीयरेंस, दिस इज वेरी, इसलिए आज के अभी के लेक्चर में और इसके बाद न्यूमेरिकल आने वाला है, रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस, रेट ऑफ अपीयरेंस। उसी तरह अगर आपको कोई कहे रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ बी, लिखिए डायरेक्ट कहिए डेल्टा बी बाई माइनस डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, नो स्टोइकोमेट्रिक शुड बी टेक। देखिए मैंने प्रूफ जब किया कहां लिखा रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी में टू था, कहां यहां टू वगैरह है, ये तो बाई मैथमेटिकली आया है ना, टू इधर मैथमेटिकली आया है, लेकिन इसको प्रूव करने के लिए यहां पर तो नहीं आया, दैट द रीजन। ये रेट ऑफ अपीयरेंस कहे या रेट ऑफ डिसअपीयरेंस कहे, कोई स्टोइकोमेट्रिक कोएफिशिएंट नहीं लिखा जाएगा। क्या मेरी बातें सबको समझ में आ पा रही हैं? यस सर। हाँ, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ सी बोले डायरेक्ट कहिए डेल्टा सी बाय डेल्टा टी। चलिए पहला ये बताइए, ये स्लाइड लिख लिया था आप लोगों ने? यस सर लिख लिया। माशाल्लाह माशाल्लाह, ये लिख लिया। सर पिछला स्लाइड कब सेकंड लाइन समझ में नहीं आया? हाँ बताइए क्या है सर? पिछला स्लाइड का सेकंड लाइन सर रेट ऑफ, हाँ रेट ऑफ डिसअपीयरेंस होगा ना? नहीं नहीं नहीं, आप ऐसे समझे ना, अच्छा ए जितना कंज्यूम रहा बी डबल बन रहा है ना, ये पहले बताइए, ए जितना बी डबल बन रहा है तो भाई तो क्या रेट ऑफ बी ए का डबल बन रहा है ना, ये B A का डबल बन रहा है कि नहीं? ये 1 मोल होगा तो ये 2 मोल होगा, तो हम ये कहेंगे ना नंबर ऑफ मोल्स ऑफ B जस्ट डबल है मोल्स ऑफ A का। हां या ना, जल्दी बताइए मोल्स के फॉर्म में भी लिखिए, बस वही है, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ B जस्ट डबल होगा ना रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ A का। ओके हां आया समझ में? यस सर ठीक है, फिर इसको सॉल्व करके देखते हैं। तो समझ रहे हैं इसका 1 मोल है, इसका 2 मोल है, 2 मोल का मतलब क्या होगा, 2 into number of moles of A. Yes. आगे बढ़े हैं, लिख लिया सारे लोगों ने सलाम, ये लिख लिया? Yes sir, लिख लिया। अब आइए, तो मतलब वही है जैसे कोई एग्जाम है, ऐसे तो आपको लिखना आ ही जाएगा, 3s2 है आपके पास, 2ns3 है, rate of reaction minus delta n2 by delta t। सर पिछले स्लाइड नहीं हुआ
अच्छा नहीं हुआ, अच्छा ओके जी। तो फॉर एग्जांपल N2 गैस है आपके पास, 3H2 गैस है, 2NH3 गैस है, R is a constant, कैसे लिखेंगे देखिए, डेल्टा N2 by डेल्टा T माइनस 1/3 डेल्टा S2 by डेल्टा T 1/2 डेल्टा NH3। आपको न्यूमेरिकल में किसी की भी वैल्यू दे दे, R इसके भी बराबर है, R इसके भी बराबर है, R इसके भी बराबर है, किसी के जिसकी वैल्यू दिया रहे उसके बराबर करके क्वेश्चन को सॉल्व करो। लेकिन इसी में अगर आपसे पूछा जाए रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ H2, डायरेक्ट लिखिए बस माइनस डेल्टा H2 बाय डेल्टा T। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ अमोनिया डेल्टा NH3 बाय डेल्टा T। मुझे उम्मीद है कि अब कंफर्मेशन हो गया होगा रेट ऑफ रिएक्शन कैसे लिखते हैं, डिसअपीयरेंस कैसे लिखते हैं, अपीयरेंस कैसे लिखते हैं। सच सच बताइएगा भाई, देखिए यस सर। अब हम न्यूमेरिकल की शुरुआत करने जा रहे हैं इसके बाद, पर अच्छे अच्छे क्वेश्चंस भी करेंगे और छोटे पहले सिंपल क्वेश्चन से शुरुआत करेंगे। Done, sir. अब आइए एक न्यूमेरिकल पहले मैं करता हूं, उसके बाद दूसरा आपको दूंगा। तो ये अगर मान लीजिए ए से टू बी कोई बनाया, आपको कह रहा इफ कंसंट्रेशन ऑफ बी इंक्रीजेस फ्रॉम 5 मोल पर लीटर टू 10 मोल पर लीटर इन 2 सेकंड्स, कैलकुलेट ए पार्ट रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ बी, सी पार्ट भले आपको आता हो। सारे लोग यहाँ देखिए, जब भी इस तरह का क्वेश्चन हो तो सबसे पहले आप एक्सप्रेशन लिखिए माइनस डेल्टा ए बाय डेल्टा टी हाफ डेल्टा बी बाई डेल्टा टी। बताइए किसी को इतराज, पहला काम आर लिख लीजिए। अब रेट ऑफ रिएक्शन या तो इसके बराबर होगा या इसके बराबर होगा, तो यहाँ पर पहला पार्ट रेट ऑफ रिएक्शन इज इक्वल टू हाफ डेल्टा बी बाई डेल्टा टी, क्योंकि ए की वैल्यू दी हुई नहीं है हमें, बी के ही फॉर्म में दिया हुआ है। तो हाफ चेंज इन कंसंट्रेशन फाइनल माइनस इनिशियल 5/4 1.25 मोल पर लीटर पर सेकंड। मेरी बातें बताइए सबको समझ में आई क्या नहीं आई? समझ आ गई सर। पहला काम एक्सप्रेशन लिखकर लिखकर। अरे अनुष्का कुआरा, इंडिया, आसिया, मानसवीन, अफ़ान, यस सर, हर्ष सब को आ रहा है? यस सर। Yes.
done so. Done so. अब देखिए, B part कह रहा है rate of appearance of B. तो rate of appearance of B, no stoichiometric coefficient delta B by delta T, final minus initial by 2, 5 by 2, 2.5 mole per liter को capital M लिख लीजिए, percentage short form. अब सुनिए C, rate of disappearance of A minus A by delta T. अब बताइए minus A की वैल्यू तो कोई नहीं देते, इसको हम R के बराबर लिख सकते हैं कि नहीं, जल्दी बताइए यहाँ या ना. It should be equal to R. Yes, sir. और R की वैल्यू देखिए ऊपर आ गई है 1.25 मोल पर लीटर पर सेकंड. कोई ऐसा स्टूडेंट जिसको समझ में ना आया हो तो आप पहला काम क्या करेंगे, ये जब लिख लेंगे ना उसके बाद आप प्रोसीड करें तो आपको ज्यादा आसानी. चले लिखिए, किसी को कोई डाउट कोई ऐसी चीज जो ना समझे, एक क्वेश्चन मैं एकदम सिंपल दूंगा उसके बाद फिर मैं ऑब्जेक्टिव टाइप की प्रैक्टिस कराऊंगा. किसी को भी थोड़ा बहुत डाउट है प्लीज पूछ लीजिए, प्लीज शर्माइएगा नहीं कि रेट ऑफ रिएक्शन, रेट ऑफ अपीयरेंस, रेट ऑफ, बहुत आसान है, कोई टफ नहीं. फिर भी किसी को कोई डाउट हो तो पूछिए. ये क्वेश्चन आप अपने समझ.
सब लोग पहले अपना आंसर तैयार कर लीजिए, मैं फिर डिस्कशन करूंगा। सब लोग ने ट्राई कर लिया? यस सर। हर्षित, खसपेल, आसिया, अनुष्का, सब लोग ने कर लिया? पहला काम है एक्सप्रेशन लिखना। अब सुने सारे लोग, आप देखें हमें रेट ऑफ रिएक्शंस का एक्सप्रेशन कह रहा है, तो देखें सारे लोग माइनस वन बाई फोर डेल्टा एन एस थ्री बाई डेल्टा टी लिखेंगे, हाँ या ना, जल्दी बताइए सारे लोग। यस सर। माइनस वन, चेंज का मतलब क्या होता है? फाइनल माइनस इनिशियल, फाइनल सिक्स है, इनिशियल टेन है, 6 माइनस 10 डिवाइडेड बाई 8, माइनस माइनस प्लस 4 बाई 8 हाफ, मतलब 0.5। हमेशा याद रखिए, सुनने कान खोल कर, रेट ऑफ रिएक्शन हमेशा पॉजिटिव है। ये नेगेटिव साइन का मतलब यही है कि चेंज इन कंसंट्रेशन नेगेटिव में आया, और नेगेटिव नेगेटिव पॉजिटिव हुआ। रेट कभी भी नेगेटिव में नहीं आ सकता। कोई इस एक्सप्रेशन को देख कर बोले, वो मैं लिख पाऊंगा बाद में कंक्लूजन में कि रेट ऑफ रिएक्शन क्या होता है, मे बी पॉजिटिव मे बी नेगेटिव, ये नहीं, ऑलवेज पॉजिटिव। व्हाई नेगेटिव साइन शो? नेगेटिव साइन शोज डिक्रीज इन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट। इसका पहला एग्जाम्पल देखिए, 6 से 10 डिक्रीज, माइनस में आ रहा है, माइनस माइनस प्लस, तो क्या रेट पॉजिटिव में आएगा कि नेगेटिव में आया? पॉजिटिव में आया कि नहीं, सारे लोग बताएंगे। रेट ऑलवेज पॉजिटिव, कोई भी रेट। नेगेटिव सिर्फ बता रहा कि डिसअपियर हो रहा है, कंज्यूम्ड हो रहा है, अट रहा है वो। रेट कोई लिखता भी है माइनस हाफ, दिस इज रॉन्ग। अरे एक तो गलत आंसर आना ही नहीं चाहिए, उसकी वजह यह है कि भाई मैथमेटिकली भी आप सॉल्व करेंगे तो माइनेशन करेंगे तो पॉजिटिव नहीं आएगा, लेकिन इससे एक नॉलेज भी हुई तो मैं बाद में लिखाऊंगा कि रेट ऑफ रिएक्शन इज ऑलवेज पॉजिटिव। पहला आंसर ये हुआ बी, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया। पहला काम माइनस डेल्टा, कोई कोफिशियंट नहीं, बाई डेल्टा टी, माइनस ऐसे ही रहेगा, 6 माइनस 10 बाई 2, तो प्लस 2 मोल पर लीटर पर सेकंड। सबको आंसर ये आया, ए और बी सबका सही है, हाँ या ना? Yes. Yes, बस वो साइन गलत हो गया। साइन ही गलत हो गया तो आंसर गलत हो गया, साइन क्या गलत? Yes. ही आंसर हो गया। यस सर। चलिए कोई बात नहीं, गलत ही से सीखते हैं लोग, कोई बात नहीं। आसिया वगैरह समझ में आया सबको, बताइए। यस सर। अनुष्का, इंसिया, किसी का आंसर आया था? कोई ट्राई भी किया कर रहा है कि नहीं? अब मैं किसी भी दिन आप सबको वीडियो ऑन करने को कहूंगा, सुन ले आप। कुछ बच्चों की शिकायत आई है कि पढ़ते वक्त उधर उधर घूमते रहते हैं। मैं किसी वक्त भी अगर वीडियो जिसने ऑन नहीं किया, मैं सीधे रिमूव कर दूंगा। अब मैं बहुत सारे बच्चे 10-10 आवाज पर जो रिस्पांस नहीं करते हैं, उसकी वजह यही थी। हमने सब मैंने मालूम करवाया है ना, कल एक गार्जियन
अभी मेरे पास आया था मैसेज कि आप वीडियो ऑन करवाइए इन लोगों से, कुछ बच्चे गार्जियन की बात मानते नहीं है तो बेचारे टीचर को बोलते हैं, मोबाइल रख के कभी चले जाते हैं उधर, कभी चले जाते हैं उधर, इसलिए मैं कभी कभी देखता हूँ, मैं इतना चिल्लाता रहा तो फिर भी कोई रिस्पॉन्स नहीं देते हैं। मैं वीडियो ऑन करवाऊंगा, मैं देखूंगा लोग क्या कर रहे हैं, नोट्स देखूंगा बना रहे हैं कि नहीं, सबका मैं चेक करूंगा कि कोई बना रहा है कि नहीं, सब बैठे रहते हैं। कुछ ही स्टूडेंट हैं जो बेचारे आंसर गलत या सही बेचारे ट्राई कर करके देते रहते हैं, बाकी सब चुप्पे बैठे रहते हैं, पूछने पर भी नहीं बताते हैं कि आंसर मिला तो उसका भी आंसर कुछ लोग अभी तक नहीं दिए हैं। आसिया आपने ट्राई किया था और भी? यस सर। आंसर मिला, मैच किया कि गलत आया, कुछ भी बताइए। सर आधा किया था तब तक आपने सॉल्व कर दिया। अच्छा सॉल्व कर दिया तो ए बी सी बनाया आपने, सारे लोग सी बनाए, सी बनाए, बना रहे हैं, बना रहे हैं, बनाइए जल्दी बनाइए, जिससे सी हो चुका है वो डी बनाए। सारे हो गए। हर्षित को मेरी आवाज आ रही है? यस सी का क्या आंसर है हर्षित? सर 0.625 MBS। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एनओ, पहले हम लिखेंगे डेल्टा एनओ बाई डेल्टा टी। अब हम एक्सप्रेशन को देखेंगे, देखिए डेल्टा एनओ बाई डेल्टा टी को हम 4R लिख सकते हैं, हाँ या ना? आर की वैल्यू पहले आर की वैल्यू आ चुकी है, हाफ आ चुकी है, जल्दी बताइए। यस सर। तो आपके पास ये है ना शायद, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ ओ टू है, सॉरी फॉर दैट, माइनस डेल्टा ओ टू बाई डेल्टा टी। आप देखिए डेल्टा ओ टू बाई डेल्टा टी क्या लिख सकते हैं, 5R लिख सकते हैं, 5R, यस सर, 5 इंटू कितना हो जाएगा, 5 इंटू 1/2, 1/2, 2.5 आया। बताओ हर्षित तुम्हारा आंसर क्या आया? yes. था हर्षित आया समझ में, किसी को कोई डाउट, सबका आंसर मैच किया? मानस yes, yes. अफान आपका भी आंसर मैच किया? यस। रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ एनओ डेल्टा एनओ बाय डेल्टा टी इट शुड बी इक्वल टू 4R, 4 इंटू हाफ 2, 2 सबका आंसर आया? यस सर 2 आ गया। देखिए सारे लोग आसिया आपका कोई भी आंसर मैच किया ए से लेकर डी तक? अनुष्का, इंसिया, तीनों क्यों? यस सर। यस सर। ओके ठीक है, वेरी गुड। E का आंसर रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ वाटर डेल्टा H2O बाई डेल्टा T शुड बी इक्वल टू 6R, 6 इनटू हाफ 3 मोल पर लीटर पर सेकंड, यही आया सबका आंसर? यस सर यही आया। यस सर। ओके वेरी गुड, बहुत आसान है, कोई टफ नहीं है। अब आइए पर दूसरे हम टाइप के न्यूमेरिकल पर आते हैं, ये सबको रेट ऑफ रिएक्शन रेट ऑफ अपीयरेंस या सेपरेंट में कोई डाउट तो नहीं है अभी भी? नो सर।
actually. Question you can ask. सब लोग आंसर दें प्लीज. Harshit, thank you. फिर उसी तरह पहला काम हम रेट का एक्सप्रेशन लिख लें. वो है जिन स्टूडेंट को अच्छे से समझना है, डाउट क्लियर करना है, सबसे अच्छा काम ये है कि आप ये लिख, इससे आपको एक आसानी हो जाएगी. ये लिख लेंगे रेट का एक्सप्रेशन. अब क्वेश्चंस में क्या दिया हुआ, अब आइए क्वेश्चन में दिया हुआ रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ इनपुट. बेसिकली इसको क्या लिखेंगे, डेल्टा एन टू बाय डेल्टा टी शुड बी इक्वल टू 3 mole per liter पर सेकंड. ये दिया हुआ, सारे लोग देखें, जिनसे नहीं हुआ प्लीज यहाँ स्क्रीन को देखें. आपको निकालना है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ टू. रूल के मुताबिक हम पहले इस तरह लिखेंगे. अब देखिए इधर माइनस डेल्टा ओ टू बाई डेल्टा टी शुड बी इक्वल टू 3R. 3R लिख दीजिए. R को क्या लिख सकते हैं, इनटू के इनटू हाफ डेल्टा इनटू बाय डेल्टा टी. देखते रहिए R इज इक्वल टू दिस 3/2 रहने दीजिए. ये पूरी वैल्यू आपको दी हुई है, देखिए यहाँ 4.5 mole per liter. देखिए कितना आसान है, आपको कोई टफ नहीं है. 9/2. ओके अनुष्का, थैंक यू. 4.5 mole per liter per second. किसी को कोई डाउट है या ना, जल्दी बता दीजिए. नो सर. कोई जरूरी नहीं कि आप R ही लिखें, आप डेल्टा O2 by डेल्टा ऐसे भी लिख सकते थे 3/2 into, अब इसको इक्वेट करके निकाल सकते हैं. डायरेक्ट R ना लिखते हुए आप इसको इक्वेट करके निकाल सकते हो. मैं जानबूझ के लिख दिया हूँ, आपको जैसे करना है. चलिए आगे बढ़े, सब लोगों ने लिख लिया, एवरीवन. Yes, लिख लिया. चलिए अच्छी बात है.
R is equal to minus half delta N2 by delta T. N2 of half N2 है तो इसी के फॉर्म में सिर्फ लिखें 1 by 4 delta N2 by delta T. ये आपके पास आया. अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ N2O5 माइनस N2O5 बाय डेल्टा टी, ये आपको 0.016 दिया है. हमें निकालना है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ NO2 डेल्टा NO2 बाय डेल्टा टी. देखिए डेल्टा NO2 बाय डेल्टा टी 4R के बराबर, R को हम लिख सकते हैं माइनस हाफ डेल्टा N2O5 बाय डेल्टा T. बस 2 × 4 और ये जो वैल्यू है ये 0.016 0.039%. सबको समझ में आया? हाँ या ना जल्दी बता दें. यस सर. यस सर. वेरी गुड. सबको समझ में आ गया? अनुष्का, आसिया, इंसिया सब लोगों ने लिख लिया? बताइए. यस सर. इस क्वेश्चन को देखिएगा, आपके पास 2SO2 गैस है, प्लस O2 गैस है, 2SO3 गैस है. आपको दिया हुआ है रेट ऑफ द रेट ऑफ फॉर्मेशन ऑफ SO3 इज 100 ग्राम पर मिनट. व्हाट इज द रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2? ए ऑप्शन 200 ग्राम पर मिनट, बी 40 ग्राम पर मिनट, सी 60 ग्राम पर मिनट, डी 20 ग्राम पर मिनट. पहले आप ट्राई करें फिर मैं बताता हूँ. हाँ लिख लिया सारे लोग? चलिए इस क्वेश्चन को मैं बताता हूँ, सारे लोग ध्यान. यस सर, लिख लिया. यहाँ देखिए रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ SO3, सारे लोग देखिए, सारे लोग स्क्रीन को देखिए. SO3 बाय डेल्टा टी, यही तो लिखेंगे? हाँ या ना? इसकी वैल्यू कितनी दी हुई है? 100 ग्राम. जबकि इसकी यूनिट होती है, सुने सारे लोग, मोल पर लीटर पर सेकंड. तो समझिए पर लीटर है ही है, मोल पर मिनट के फॉर्म में अगर हम निकाल लें इसको, मोल्स में कन्वर्ट करेंगे, गिवन मास बाय मोलर मास. SO3 का मोलर मास अब हो गया मोल पर मिनट. हमेशा आप मोल पर मिनट में लाएं या मोल पर लीटर के फॉर्म में लाएं. हमने अभी बताया चेंज इन कंसेंट्रेशन, चेंज इन मोल्स के फॉर्म में. समझ में बात आई? हाँ या ना? पहला काम इसको इसमें कन्वर्ट कर देंगे मोल में. अरे बोलिए ना. यस सर, समझ आ गया. यस. अब आइए, आपको कह रहा है रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ O2 माइनस डेल्टा O2 बाय डेल्टा T.
अब सुनिए, माइनस ओ टू बाई डेल्टा टी तो क्या लिखेंगे, क्या लिखेंगे जल्दी बताइए, डायरेक्ट बताइए क्या लिखेंगे, टू आर लिख सकते हैं तो बोलिए ना। यस सर, आर ही नहीं लेंगे, सिर्फ आर लेंगे ना। हाँ हाँ, तो आर भी लेंगे, तो आर लेंगे तो आर किसके बराबर होगा, हाफ डेल्टा एस ओ थ्री बाई डेल्टा टी के बराबर होगा ना। यस सर, हाफ इंटू हंड्रेड इंटू एट्टी, और से सुनो कितना आ गया, जीरो से कैंसिल, टू फाइव सर फाइव बाई एट मोल पर मिनट, यही तो होगा। हाँ या ना जल्दी बताइए, सारे लोग यहाँ तक आया सबको। yes, अब sir. आप देखें हमें, लेकिन ग्राम में है ऑप्शन, फिर इसको ग्राम में कन्वर्ट करेंगे। तो अब देखिए मोल को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, मोल को उसके मोलर मास, यहाँ मोलर मास से डिवाइड किया तो मोल निकाला, तो मोल को मास में कन्वर्ट करने के लिए मोलर मास से मल्टीप्लाई करते हैं। तो हम किसका मोलर मास लेंगे, O2 का, तो 32.84 ग्राम पर मिनट। आया समझ में, आया? अरे बोलिए, हमें तो आंसर यही था। यस सर, समझ आ गया। हाँ ये आंसर था, लेकिन हमें ऑप्शन में नहीं था, हम इसको क्या किया, मोल में मास को कन्वर्ट कर लिया। तो इस तरह के भी क्वेश्चन आपको देंगे, इसलिए आपकी तैयारी ये नहीं कि मोल पर लीटर ही के फॉर्म में मोलारिटी दिया रहेगा, तो होगा आपको सब फॉर्म में आना चाहिए। तो हमेशा मास जब भी रहे तो ग्राम में कन्वर्ट कीजिए। अब यहाँ पर O2 का पूछ रहा है, तो O2 के मोलर मास से मल्टीप्लाइड करेंगे। क्या कोई भी ऐसा स्टूडेंट जिसको ना आया तो पूछिए प्लीज, प्लीज स्टूडेंट प्लीज पूछिए। सर इसमें बस यही चेंज है ना कि ग्राम में करा है हमने। किसने? जो आपने लास्ट स्टेप करा है। हाँ हाँ, तो फिर ऑप्शन किसने दिया हुआ, मोल में दिया हुआ कि ग्राम में दिया हुआ, ये पहले बताइए। सर ग्राम में। फिर मोल के फॉर्म में आके हम पहले चेक करेंगे, ये आपका आंसर तो यही आ गया, लेकिन ऑप्शन में मोल के फॉर्म में नहीं दिया था, इसलिए ग्राम में कन्वर्ट किया। तो आप क्या पूछ रही है, क्या किया, मोल को ग्राम में कन्वर्ट करने के लिए क्या करते हैं, उसके मोल को उसके मोलर मास से मल्टीप्लाई कर देते हैं। समझ में बात आई? यस सर। या सारे लोग तो बताइए। यस सर, लिखिए। इसी पर मैं क्वेश्चन दे रहा हूं, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया इज, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया इज 3.4 ग्राम पर लीटर पर सेकंड, ठीक है। The rate of appearance of N, the option 3.4 gram per liter per second, 1.7 gram per liter per second, second has 0.1 ग्राम पर लीटर पर सेकंड, डी ऑप्शन है 2.8 ग्राम पर लीटर पर सेकंड। अच्छा एक बात बताओ, सारे लोग ध्यान दो, डिसअपीयरेंस का मतलब इसका रिएक्शन, इसका मतलब NH3 ब्रेक हो रहा है N2 और S2 में, ये सुन दो, ये है रिएक्शन। समझ में बात आया साइंटिस्ट लोग? चलो बना के दिखाओ। यस Thank you.
आंसर कितना आया? सर सी। पहला काम डिसअपीयरेंस है, रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ अमोनिया माइनस डेल्टा एन एस थ्री बाई डेल्टा टी लिख लेंगे, 3.4 ग्राम पर लीटर। पहला काम क्या करेंगे उसको मोल में कन्वर्ट करेंगे, जल्दी बताओ सारे लोग। यस सर। गिवन मास बाई मोलर मास, अब हो जाएगा मोल पर लीटर पर सेकेंड। ये 0.1 आया, सबका यहाँ तक आंसर आया था। यस सर। हाँ, इसलिए इस तरह का भी बैक क्वेश्चन करा रहा हूँ। अब आपको कह रहा है रेट ऑफ अपीयरेंस ऑफ, क्या पूछ रहा है, एन क्यू। तो डेल्टा एन क्यू बाई डेल्टा टी जो होगा वो आर के बराबर होगा, और आर जो होगा वो माइनस हाफ डेल्टा एन एस थ्री बाई डेल्टा टी के बराबर होगा। हाँ बताएं सर, हम 3.4 को 17 से नहीं डिवाइड करेंगे? हाँ, पेन मास में मोलर मास लेंगे, सॉरी फॉर दैट। तो 0.2, वेरी गुड। आप सुने सारे, तो यहाँ पर क्या है कि ये वैल्यू आपको दी हुई है, तो हाफ इनटू 0.2, दिस इज द आंसर। अब समझ में आया कि अगर हमें कंसंट्रेशन ग्राम में दिया हो तो हम मोल में कन्वर्ट करेंगे। बोलिए हाँ या ना, मोल ही में रहेंगे अगर मोल में आंसर। समझोगे आप, देखिए लेकिन आपका आंसर ये सही नहीं है क्योंकि ये मोल पर लीटर में आया है। ऑप्शन किसमें दिया हुआ है? ऑप्शन किसमें दिया हुआ है? हाँ, ये तो आपके पास आया 0.1 मोल पर लीटर पर सेकंड आ गया। तो आप सुनिए, हाँ ये भी सब ख्याल रखना, आंसर अगर मोल पर लीटर में होता तो यही आंसर होता। आप सुनिए, इसलिए आंसर यहाँ पर जो होगा रेट ऑफ डिसअपीयरेंस ऑफ इनटू, जो आपको आया है इनटू के मोलर मास से मल्टीप्लाइड कर दीजिए, 2.8 ग्राम पर लीटर पर सेकंड। समझ में आया, ये आंसर आया। इसलिए सतर्क रहना है, हमें किसमें पूछा था। अरे बोलिए, सबको समझ में आ रहा है? हेलो एवरीवन। यस सर। ये भी आंसर सही, ये ऑप्शन रहता तो ये आंसर सही, लेकिन हम ऑप्शन को चेक किया तो देखा ग्राम, फिर उसको ग्राम पर लीटर में कन्वर्ट कर दीजिए मोलर। ये दो क्वेश्चन मैं जो कराया, सबको समझ में आया अच्छे से, हाँ या ना? यस सर। आगे सब लोगों को समझ में आया? आसिया, अनुष्का, इंसिया, सबको आया ये वाला? यस सर। वेरी गुड, अब आइए। हाँ बोलिए। 7 मिनट पिछले स्लाइड दिखा दीजिए। अच्छा अच्छा अरे हर्षित बाबू, आ रहा है आपको समझ में? यस सर। डी का मतलब ये चेंज है,
पहले क्वेश्चन लिख लें, थोड़ा स्टैंडर्ड क्वेश्चन की तरह। लिख लिया सारे लोग? हाँ या ना? यस सर, लिख लिया। इसमें कुछ नहीं है, रिलेशन कह रहा है, गौर से सुनिए। लॉग बेस 10 माइनस डी ए बाई डी टी, गौर से सुनिए, इज इक्वल टू लॉग 10 डी बी बाई डी टी दिया हो, डी बी बाई डी टी और प्लस 0.3 दिया हो। मैं इसे एक रिलेशन निकाल लेता हूँ, सारे लोग ध्यान। लॉग माइनस डी ए बाई डी टी आपके पास है, सारे लोग देखिए, लॉग बेस 10 डी बी बाई डी टी है, वेरी गुड। सब लोग 11 में पढ़ चुके हैं, 0.3 को log 2 लिख सकते हैं, हाँ या ना? log 2 0.3 होता है, सबको मालूम है, इसको नहीं मालूम है तो मालूम होना चाहिए, 0.3 log 2 के बराबर होता है। अरे बोले इंसिया जुबेरिया, सॉरी इंसिया एंड आसिया एंड अनुष्का, log की प्रॉपर्टीज होती है log a into log, log a plus log b is equal to log a into b, db by dt into 2। देखिए log का मैंने कैंसिल कर दिया इस तरह, तो आपके पास इक्वेशन आ गया माइनस डी ए बाई डी टी इज इक्वल टू डी बी बाई डी टी इंटू 2। यहाँ से माइनस डी ए बाई डी टी एंड डी बी बाई डी टी का 2 आ गया। ये आपको इस रिलेशन से गिवन इंफॉर्मेशन से आया। अब आइए, आपके पास जो रिएक्शन दिया हुआ है एक्स ए वाई बी, तो हम लिख सकते हैं ना माइनस वन बाई एक्स डी ए बाई डी टी शुड बी इक्वल टू वन बाई वाई डी बी बाई डी टी लिख सकते हैं, हाँ या ना? सारे लोग गवाही दें, लिख सकते हैं ना? यस सर, लिख सकते हैं। अब बताओ माइनस डी ए बाई डी टी बाई डी बी बाई डी टी इज इक्वल टू एक्स बाई वाई आ सकता है, हाँ या ना? हेलो, यस यस सर। देखिए इसका रेशियो 2 के बराबर है, सो द एक्स बाई वाई इज इक्वल टू 2। इस तरह का भी आपको थोड़ा सा मैथमेटिकली दे देता है 2 रेशियो। देखिए सबको आसान है, चलिए स्लाइड में देखिए, चलिए स्लाइड से शुरू करिए। Done, sir. हाँ, हो गया? Yes, sir, हो गया। सबसे हो गया, जल्दी बताएं। चलिए ओके, बाय बाय, थैंक यू, नेक्स्ट क्लास में मुलाकात होगी। थैंक यू एवरीवन। थैंक यू सर। थैंक यू एवरीवन।